पाकिस्तान के अंदर फिशरी की सनत बेतहाशा पोटेंशियल रखती है और पाकिस्तान की मईशत में भी ये सनत अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, लेकिन माहीगीरों के मसाइल इस वक्त हल तलब है। ये बोट्स लगी हुई है तो अभी तैयारी का मरहल है। हम माइगर जो है सालाना 24 अरब रुपया सिंध हुकूमत को टैक्स देते हैं, तो उनका चाहिए कि जो ना माइगरों को सब्सिडी दे, अगर उनको आधे रेट देना चाहिए। बिल्कुल, कौन से महीने ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि मछली का एक तो शिकार भी ना करें उन महीनों में, और दूसरा वो सीजन से आउट होता है कुछ मामला? जून जुलाई अगस्त, बस 3 महीने। कुछ माहीगीर हमारे जो है इस चक्कर में अरेस्ट भी हो गए हैं, जो इंडियन फोर्सेस ने पकड़ लिए। मछली की बात करूंगा तो इस वक्त तकरीबन 20 से 25 माहीगीर इस वक्त भारत की जेल में कैद है, जिनको ना 7 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए। एक पूरी नई बोट तैयार हो जाती है तो इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद की होती है, और सम टाइम ये 2-2 करोड़ रुपए की तैयार होती हैं। किस लकड़ी की ये तैयार करते हैं? इसमें चलवोदा भी लगता है, बर्मा टीक भी लगती है, मलेशिया की पेन भी लगती है, बलाओ भी लगता है। मछलियाँ जो पकड़ के लाए अपने शिप के अंदर, अब वो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी नस्ल की मछली है। ये कौन सी नस्ल की? सोल पीस। सफाई का नाकिस इंतजाम है इस गंदगी को साफ करने के लिए, और यहाँ पर एक इन्हें माहौल साजगार फराहम करने के लिए इंतजामिया को अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि ये फिशरी की सनत, माहीगीरी की सनत मजीद फरोग पा सके। देखिए प्रोग्राम आवाज हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।